दोस्तों, दो साल पहले यानी 2017 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कसम पैदा करने वाली की, जिसमें आपको देखने मिले थे यश कुमार मिश्रा, आनंद मोहन और रितु सिंह। ये पिक्चर पराग पटेल द्वारा डायरेक्ट की गई थी। अब दोस्तों, 2019 के आखिरी सप्ताह में इस फिल्म का सीक्वल यानी कि कसम पैदा करने वाली की 2 की शूटिंग खत्म हो चुकी है और हमारी टीम ने इस फिल्म से जुड़ी ढेर सारी खास बातें जमा की है, जिससे कि ये पिक्चर पार्ट 1 से भी ज्यादा एंटरटेनिंग और एक्शन से भरी साबित हो रही है। नमस्कार भोजपुरी समाज, स्वागत है आपका भोजपुरी नाव में। मेरा नाम है आकाश साक्षी। दोस्तों, कसम पैदा करने वाली की का सीक्वल यानी कि पार्ट 2 की शूटिंग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और जितनी तस्वीरें और जानकारी हम इस पिक्चर के बारे में कलेक्ट की है वो सुनकर आप भी बेचैन हो जाएंगे इस पिक्चर की टिकट जल्द से जल्द बुक करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें इस पिक्चर की कास्टिंग, मतलब इस पिक्चर में कौन कौन आपको देखने मिलेगा इस बारे में। दोस्तों, पिक्चर में आपको देसी छोरा यश कुमार लीड रोल में दिखेंगे और उनके अपोजिट दिखेंगी उनकी प्रेमिका का किरदार निभाते हुए लुलिया यानी कि निधिजा, जिनकी खूबसूरती, डांस और अदाकारी की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। दोस्तों, साथ ही आपको दिखेंगे भोजपुरी पिक्चर के नंबर 1 विलन संजय पांडे जी, जिनका गेटअप किसी मंत्री टाइप का लग रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग लुक है उनका। पर दोस्तों, एक लुक ने हमें भी बेचैन कर दिया। ये लुक है देव सिंह जी का, जिनके बारे में खुद यश का मानना है कि यह किरदार अभी तक किसी ने भोजपुरी पिक्चर या भोजपुरी सिनेमा में नहीं देखा होगा और हमें भी ये लगता है कि सही में ये लुक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और काफी नेगेटिव है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं पिक्चर के कर्ता धर्ता यानी निर्देशक और निर्माता की। दोस्तों, आपको बता दें कि इस पिक्चर को डायरेक्ट किया है संजय श्रीवास्तव जी ने। साथ ही निर्माता है दीपक शाह, जिन्होंने यश की 4 फिल्मों में पैसा लगाया था, जो कि हैं इच्छाधारी, कसम पैदा करने वाली की, नागराज और बिटिया छठी माइके। ये पिक्चर बतौर प्रोड्यूसर उनके साथ 5वीं पिक्चर होगी। दोस्तों, कोई भी पिक्चर सिर्फ ज्यादा तामझाम से नहीं बल्कि एक अच्छी स्टोरी से भी हिट होती है और यश जी ये बखूबी जानते हैं। तभी यश जी ने इस पिक्चर यानी कसम पैदा करने वाली 2 की स्टोरी पर 1 साल काम किया। अब उनका ये परिश्रम लोगों को कितना पसंद आता है ये तो अब पिक्चर रिलीज होने के बाद ही मालूम चल पाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही भोजपुरी फिल्मों से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल भोजपुरी नाव को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। नमस्कार।